चलिए अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी टाइप्स की तो कंप्यूटर मेमोरी हमारी क्या है स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर कंप्यूटर्स में हम अपनी मेमोरी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं क्लियर है कंप्यूटर्स मेमोरी को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये जो हमारे इक्वल पार्ट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं सेल्स बोलते हैं तो अगर हमारा ईच लोकेशन और सेल हैज यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम जीरो टू मेमोरी साइज माइनस वन अगर हमारे मेमोरी में कितने सेल है सिक्सटी फोर सेल है तो हम उसकी स्टार्टिंग कहां से करेंगे जीरो टू सिक्सटी थ्री और फॉर एग्जाम्पल इफ द कंप्यूटर है सिक्सटी फोर केवर्स तो इसका मतलब क्या होगा सिक्सटी फोर के वर्ड्स मीन होता है देन दिस मेमोरी यूनिट हैल्टीप्लाई वन जीरो टू फोर जब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बिल्कुल याद रखिए k मीन्स यहाँ पे k रिप्रेजेंट कर रहा है वन जीरो टू फोर लोकेशन को क्लियर तो हमारे इसमें अगर हम बात करें टोटल मेमोरी में, में लोकेशन कितनी होगी अगर हमारी मेमोरी का साइज सिक्सटी फोर के है तो तो के मीनस है वन जीरो टू फोर तो हम सिक्सटी फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 से तो ये हो गया हमारे बेसिक मेमोरी के डेफिनेशन के मेमोरी हमारा एक स्टोरेज स्पेस है मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स एंड दिस पार्ट नेम इज सेल और इफ मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय के तो इफ द वैल्यू ऑफ के इज 1024 ठीक तो हमारे अगर 64 हमने मल्टीप्लाई 1024 किया तो इन दिस मेमोरी 64 के वर्ड्स की मेमोरी में हमारी टोटल मेमोरी लोकेशन होंगी वो 65536 होगी ये हो गया हमारा मेमोरी के डेफिनेशन के बारे में अब हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वल साइज में हमारी मेमोरी डिवाइडेड रहती है तो जो इक्वल साइज है तो ये हमारी हम इस टाइप से मेमोरी डिवाइडेड रहती है ये हमारी हम इसको डिफरेंट सेल मान ले तो ये हमारी मेमोरी है तो यहाँ पे हमने जीरो से लेके यहाँ तक क्या कर कर दिया है कर दी है इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग दी तक हमारी तो हम हैं थर्टी तो ये ना हो अगर 36 था तो ये देखिए ये थर्टी सिक्स था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है इसको थर्टी फाइव कर दिया है और वही फिर से हमने यहाँ पे क्या बनाया है पिरामिड ऑफ मेमोरी अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट मेमोरी है लेवल जीरो पे जिसका एक्सेस टाइम क्या होता है सबसे लोएस्ट होता है जल्दी एक्सेस कर लेता है इसको सीपीयू तो हमारी रजिस्टर मेमोरी कहलाती है रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू सीपीयू में भी हमारे रजिस्टर्स प्लेस रहते हैं इसलिए जो ये होती है ये इजिली एक्सेस होती है सीपीयू के लिए और बहुत ही कम इसका एक्सेस टाइम होता है और इसका जो साइज होता है इसलिए इसका साइज भी बहुत कम होता है क्योंकि हम सीपीयू का साइज इतना बड़ा नहीं कर सकते किसी चिप का सीपीयू से चिप का साइज हम इतना बड़ा करें इसलिए ये एक स्मॉलेस्ट साइज मेमोरी होती है यहाँ पे ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स है कुछ कॉमन लिखे मैंने सारे नहीं लिखे हैं जो हम मेनली हर कंप्यूटर्स में यूज करते हैं उनके मैंने यहाँ पे नेम मैंशन किए हैं अब वही अगर हम बात करें इसके बाद हमारी जो सेकेंड मेमोरी आ रही है वो है कैश मेमोरी तो सीपीयू के बाद जो हमारे सीपीयू से कनेक्टेड होती है सबसे पास में मेमोरी जो जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है जब हम कोई डेटा कैश से सीपीयू के बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां उसको हम बोलेंगे कि हम वर्ड ट्रांसफर हो, हो रहा है वही अगर हम मेन मेमोरी से कोई कैश में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां ब्लॉक ट्रांसफर होता है ठीक तो कैश मेमोरी क्या है? बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है सेमीकंडक्टर से मिलके बनी होती है इसलिए सेमीकंडक्टर टाइप मेमोरी भी है एक्ट बफर की तरह करती है किसके बीच में मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्लियर अब अगर हम बात करें अपने सीपीयू में जो हमारी मेमोरी लगी है कैश मेमोरी तो कैश मेमोरी के हमारे लेवल्स होते हैं तो लेवल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन कौन से हमारे लेवल्स होते हैं तो फर्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो लेवल जीरो से फिर जो नेक्स्ट लेवल पे हमारी जो मेमोरी कनेक्टेड रहती है अगर हम मल्टीपल कैश लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो सबसे पहली जो हम कैश लगाएंगे वो लेवल जीरो कहलाएगी इसके बाद जो लगाएंगे लेवल वन कहलाएगी और उसके बाद लेवल टू आप चाहें तो इसकी लेवलिंग वन से भी कर सकते हैं लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री तो मोस्टली हम वैसे एक सिंगल कैश ही लगाते हैं इट्स डिपेंड ऑन द यूजर नीड अगर यूजर को जरूरत है तो वो मल्टीपल कैश का भी अपने कंप्यूटर में यूज कर सकता है तो ये हमारे लेवल है जो लेवल वन कैश है वो सीपीयू के सबसे ज्यादा पास होगी इसलिए वो भी जल्दी ही हम उसको इजी कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं और वो इजी टू एक्सेस होगा लेवल जो टू होगा वो थोड़ा दूर लगा होगा सीपीयू से तो उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा ज्यादा लगेगा कंपेयर टू लेवल लेवल और 3 जो होगा होगा वो उससे दूर लगा तो हम मल्टीपल लगा सकते हैं अब बेनिफिट क्या है हम इतने सारे लेवल्स लगा रहे हैं बेनिफिट यही है कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड को एनहेंस करने के लिए हम इतने मल्टीपल लेवल्स का यूज करते हैं डायग्राम्स वगैरह जब हम लास्ट क्लास में हमने

और स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि कुछ बिट में उनका साइज होता है कि टू बिट रजिस्टर है वन बिट रजिस्टर है फाइव बिट रजिस्टर है तो हमारे जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट और साइज में होते हैं और वो भी टेम्परेरी यूज के लिए लगाते हैं

क्या करती है सेमी कंडक्टर डिवाइस से मिलकर बनी होती है रैम और रोम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी मेमोरी हमारी मेनली टू टाइप्स में होती है रैम और रोम अब हम रैम और रोम के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो हमारा जो रैम होता है ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है रोम भी हमारी प्राइमरी मेमोरी है पर रोम हमारा टेम्परेरी स्टोरेज नहीं होता है जब हम कंप्यूटर्स को डिजाइन करते हैं उसमें हम एक रोम चिप जो लगाते हैं तो वो हमारा परमानेंटली जब हम बूटिंग प्रोसेस करते हैं वो वो जो डेटा हमारा हमारा लिखा लिखा हुआ है, वो हमारा में लिखा हुआ है है रोम में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो ये परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं रैम का साइज कम होता है रोम का साइज हम बढ़ा सकते हैं जीबीज में भी हो सकता है रैम हमारी वॉलेटाइल है रोम नॉन वॉलेटाइल है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए रैम का यूज करते हैं स्टार्टअप प्रोसेस में हमारे जो कंप्यूटर्स के यूज होती है वो रोम यूज होती है राइटिंग हमारी फास्टर होती है रैम में और यहाँ पे हम जब राइट करते हैं इसको लिखते हैं इसमें कुछ डेटा सेव करते हैं रोम में तो वो क्या होता है थोड़ा लेंदी प्रोसेस होती है स्लोअर होती है इसीलिए अब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी रैम और रोम में बात करें तो रैम हमारा जो है एस रैम और डी रैम स्टेटिक रैम डायनेमिक रैम पी रोम ईपी रोम और डबल ईपी रोम पी का मतलब है प्रोग्रामेबल ई e का मतलब है इरेजेबल और यहाँ पे दो ई है तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल हमारी मेमोरी है और इसके बाद हमारा आता है फोर्थ यूनिट में एस रैम और डी रैम में डिफरेंस ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड टू यू एंड इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो जो हमारी अलग से हमें दो दो मेमोरीज और पढ़नी है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी हो गई है अब हमें पढ़ना है सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में प्राइमरी मेमोरीज एंड सेकेंडरी में डिफरेंसेस क्या है और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज कौन कौन सी है तो प्राइमरी के बारे में मैंने आपको बता दिया रैम रोम अब ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरीज हमारी होती हैं तो सेकेंडरी मेमोरीज में अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है तो ऑप्टिकल डिस्क जो हमारी होती है ये कंप्यूटर डिस्क है हम सभी अपने कंप्यूटर्स में आपने कभी डीवीडी ड्राइव यूज की होगी किसी ने सी ड्राइव यूज की होगी किसी ने ब्लू रे डिवाइस यूज की होगी तो जो ब्लू रे होती है इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है हल्की सी देखने में इसमें ब्लूइश होती है इसलिए इसको ब्लू रे भी बोलते हैं और ऑप्टिकल डिस किस लिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें जो हम डिस डेटा लिखते हैं वो लेजर बीम की हेल्प से लिखते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक कहलाती है ये हमारी रीड और राइट करने के लिए जो कि हम यूज कर रहे हैं लेजर बीम का तो इसलिए हम इसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं क्लियर है ऑप्टिकल डिस्क के ये एग्जांपल्स हैं आपके तो आपकी जितनी भी ये टाइप्स इस टाइप की कोई भी आपके कंप्यूटर में लगाने वाली अगर आप वो लगा रहे हैं पेरीफेरल्स उसमें डिवाइस तो वो आपकी कहलाएगी ऑप्टिकल डिवाइस और ये आपकी क्या ऑप्टिकल ड्राइव भी बोल सकते हैं और ये आपकी क्या है ऑप्टिकल डिस्क ये इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल डिस्क ये डिस्क आप जिसके अंदर इंसर्ट करेंगे वो आपकी कहलाएगी ऑप्टिकल ड्राइव ठीक अब हम नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक डिस्क की तो मैग्नेटिक डिस्क भी हमारे कंप्यूटर में वन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज है इसमें इसको मैग्नेटिक डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं रीड राइट और रीराइट करने के लिए ठीक इसका एग्जाम्पल जो हमारा है तो मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम बात करें तो हम सभी ने अपने कंप्यूटर में हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है तो हार्ड डिस्क हमारे सभी के कंप्यूटर्स में लगी है हमारे लैपटॉप्स में भी

प्लास्टिक के इसके ऊपर क्या रहता है रोटेटेड फॉर्म में है. मतलब ऐसे सर्कुलर फॉर्म में पेस्ट लगा हुआ रहता है पेस्ट नहीं बोलेंगे पेस्ट मींस तो हो जाएगा वो कंप्लीटली पेस्ट रहता है लगाया हुआ या लपेट लपेटा हुआ रहता है इसके ऊपर और इस इसमें हमारा जो हम डेटा रीड राइट करते हैं वो इस प्लास्टिक फिल्म के ऊपर करते हैं ठीक है थीके? इस प्लास्टिक फिल्म को हमने अपने घरों में भी यूज किया है पहले जो हमारे वो होते थे कम, घर में क्या म्यूजिक प्लेयर उनमें हम इस टाइप की कैसेट यूज करते थे तो ये कैसेट भी हमारी क्या है एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक टेप है